नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कृष्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की दोस्तों हम कुछ टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जहां से दोस्तों लगातार क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं उनको दोस्तों उन टॉपिक को हम MCQ के आधार पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उस आधार पर दोस्तों देखने वाले हैं और बहुत डिटेल में दोस्तों उनको हम देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे संसद है, राज्य विधानमंडल है या राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, संविधान संशोधन है, मौलिक अधिकार हैं, संविधान का जो भाग चार है हमारा राज्य की नीति निदेशक तत्व, इन सभी दोस्तों टॉपिकों को हम MCQ के आधार पर देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी टाइम में रात को 9 बजे, और दोस्तों यदि आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को दोस्तों सीख भी सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की जो है संविधान संशोधन, और इस टॉपिक से दोस्तों लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सब प्रकार के एग्ज़ाम में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, या तो एक आएगा या दो आएगा, लेकिन दोस्तों आएंगे ज़रूर। आपने अभी हालिया एग्ज़ाम में भी देखा होगा जो हमारा ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था VPDO का, उसके अलावा दोस्तों जो लोअर PCS का एग्ज़ाम था उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों हम इसको देखते हैं संविधान संशोधन के बारे में। अब दोस्तों सबसे पहले इस टॉपिक को देखने से पहले हमें ये देखना है कि संविधान संशोधन है क्या चीज़, आखिर में संविधान संशोधन क्या है, क्यों होता है, संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है, किस देश से ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, क्या इसकी प्रक्रिया है और वर्तमान समय तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, इन सारे टॉपिक को दोस्तों हमें एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है संशोधन, यानी संविधान संशोधन क्या चीज़ है। तो दोस्तों संशोधन का मतलब है किसी चीज़ में सुधार करना, और एक चीज़ आपको पता होगी जो हमारा संविधान है, संविधान एक लिखित रूप में हमारे पास है, एक पुस्तक के रूप में है, लिखा हुआ है। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों संविधान जो लिखने की अवधि थी यानी जो मूल रूप से संविधान तैयार हुआ था वो दोस्तों हुआ था 1946 से लेकर इसकी प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो गई थी और 1950 में दोस्तों ये जाके लागू हुआ था। तो 4 साल के दौरान, वैसे बनने में समय तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, लेकिन लागू दोस्तों हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस अवधि में यानी 1946 से लेकर 1950 की अवधि के दौरान दोस्तों ये संविधान तैयार हुआ। और संविधान क्या है, देश की मूलभूत व्यवस्था है, कुछ आधारभूत चीज़ें हैं, और यही दोस्तों आधारभूत व्यवस्था और मूलभूत जो चीज़ें हैं वो आज भी दोस्तों चल रही हैं। अब समय लगातार बदल रहा है, समय परिवर्तनशील है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, हर प्रकार की चीज़ें बदल रही हैं, आर्थिक व्यवस्था बदल रही है, उसी आधार पर दोस्तों हमारा राजनीतिक व्यवस्था भी बदलती है या बदल रही है, कुछ मांगें भी होती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो दोस्तों जो 1946 से 1950 में लिखी गई हैं, यदि इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन लेके आना है, इनको चेंज करना है, तो उसी प्रक्रिया को दोस्तों कहा जाता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। यानी जो चीज़ें संविधान में लिखी हैं उनको समय के अनुकूल या मांग के अनुकूल या जो व्यवस्था जैसी मांग कर रही है उस आधार पर दोस्तों परिवर्तित करना संविधान संशोधन कहलाता है। क्योंकि समय दोस्तों लगातार बढ़ रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो संविधान की चीज़ें जो व्यवस्था है उसको भी दोस्तों परिवर्तित होना पड़ेगा या हमें करना पड़ेगा, तो उसी प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है। अब देखिए किस देश से प्रभावित है, तो किस देश से प्रभावित है, आप सभी को पता होगा कि संविधान संशोधन की दोस्तों जो प्रक्रिया है वो हमने ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के संविधान से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने ली है। भारत में किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया है, दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया या तो कुछ देशों में बहुत आसान पाई जाती है, जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन का दोस्तों जो संविधान है वहाँ पर हालांकि अलिखित संविधान है, तो वहाँ की दोस्तों जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन का जो तरीका है वो बहुत आसान है, बहुत आसानी से वो अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तित कर लेते हैं। अब दूसरी ओर अमेरिका है, अमेरिका में संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन है, काफ़ी कठोर है, तो बहुत आसान प्रक्रिया भी हो सकती है, बहुत कठोर प्रक्रिया भी हो सकती है। भारत में किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो भारत में दोस्तों न तो ज़्यादा कठोर है न ज़्यादा आसान है, यानी बीच की व्यवस्था पाई जाती है, न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीली या न ज़्यादा आसान, तो बीच का दोस्तों एक प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ पाया जाता है, वो न तो ज़्यादा हार्ड है न ज़्यादा इजी है, तो इस प्रकार की दोस्तों संशोधन प्रक्रिया हमारे यहाँ पाई जाती है। अगला देखिए संविधान में प्रावधान कहाँ है, यदि हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान दोस्तों भाग 20 में मिलते हैं, भाग 20 में संविधान का भाग 20 है और एक आर्टिकल है 368,
इस आर्टिकल 368 में और संविधान के भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। और कौन है प्राधिकृत, यदि हम प्राधिकृत की बात करें कि संविधान संशोधन करने के लिए किस संस्था को ऑथराइज किया गया है या कौन प्राधिकृत है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, प्राधिकृत दोस्तों कौन सी संस्था है, संसद। संसद को दोस्तों यह अधिकार है कि वो संविधान में कहीं भी संशोधन करे। संसद एकमात्र दोस्तों एक प्रकार की संस्था है, एकमात्र संस्था है जिसको संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्राप्त हैं। और इसका उल्लेख कहां पर है, संविधान के भाग 20 में, और अनुच्छेद की बात करेंगे तो दोस्तों आर्टिकल 368 में। अब यहां पर देखें कितना बहुमत चाहिए और कैसे चाहिए, ये कैसे होता है, इसको दोस्तों हम थोड़ा आगे देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो दोस्तों वर्ष 2021 तक यानी आज के समय तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। जो हालिया संशोधन है 105वां संशोधन दोस्तों वो 2021 में हुआ है, तो इस पर भी दोस्तों हम बात करेंगे ये कौन कौन से संशोधन है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है संशोधन क्या है, यानी संविधान में दोस्तों जो चीज़ें लिखी हैं उनको चेंज करना। किस देश से प्रभावित है, तो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। भारत में कैसी संशोधन प्रक्रिया है, तो न तो ज़्यादा आसान है न ज़्यादा कठोर है, तो 20 की दोस्तों मिश्रित प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है। संविधान में प्रावधान कहाँ है, यदि ये देखना है तो भाग 20 में है और आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। कौन प्राधिकृत है संविधान में संशोधन के लिए, तो संसद को वो अधिकार है कि वो संविधान में चेंजेस करें। कितना बहुमत चाहिए, कैसे होता है, ये दोस्तों अभी हम देखेंगे। और कितने हो चुके हैं, इसका आंसर है दोस्तों वर्तमान समय तक 105 संशोधन हो चुके हैं संविधान के अंतर्गत। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है या किस प्रकार की चीज़ें दोस्तों यहाँ पर पाई जाती हैं। तो जो संविधान में संशोधन करने का जो दोस्तों आर्टिकल है भाग 20 का 368, इस 368 के अंदर दोस्तों दो प्रकार की संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, दो प्रकार की। एक तो दोस्तों संशोधन कैसे होगा, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से, एक तो इस प्रकार का संशोधन है। दूसरा है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति द्वारा। तो दो प्रकार के दोस्तों संशोधन प्रक्रियाएं हमें दिखाई देती हैं आर्टिकल 368 के अंदर। एक तो है संसद के दोनों सदनों की, सदन दोस्तों दो प्रकार के हैं, एक तो लोकसभा है दूसरा राज्यसभा है, आप सभी को पता है। तो पहला संशोधन क्या है, जो संसद के दोनों सदनों से 2/3 यानी विशेष बहुमत से हो, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्लस राष्ट्रपति की सहमति, प्लस राष्ट्रपति साइन कर दे तो दोस्तों संविधान संशोधन माना जाएगा। तो पहला क्या है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित हुआ होगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तो दोस्तों वो संशोधन माना जाएगा, पहला वाला। अगला देखिए, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों की दोस्तों सहमति भी चाहिए। आधे से अधिक राज्य यानी वर्तमान में 28 है, तो 28 का आधा 14 हुआ और 14 से ज़्यादा करेंगे दोस्तों 15 राज्यों। यानी जो दूसरे प्रकार का संशोधन है वो क्या है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी 2/3 से और कम से कम 15 राज्यों की सहमति द्वारा इस प्रकार के दोस्तों संशोधन होते हैं। इस प्रकार के दोस्तों जो संशोधन है, जो दूसरा प्रकार वाला संशोधन है, ये दोस्तों इसके अंदर वो विषय आते हैं जो हमारी संघीय व्यवस्था या संघ राज्य संबंधों से जुड़े होते हैं। जैसे यदि राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के दोस्तों चुनाव की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 55 में, यदि उसमें चेंज करना है तो हमको इस प्रोसेस से करना पड़ेगा। यदि हमको चौथी अनुसूची जिसमें राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है उसमें यदि संशोधन करना है तो इस विधि से करना होगा। यदि हमें सातवीं अनुसूची जहां पर दोस्तों संघ राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और तीन सूचियां हैं संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची, उसमें परिवर्तन करना है तो हमें इस विधि से करना पड़ेगा। यदि हमें आर्टिकल 368 में ही चेंज करना है, क्या पता संशोधन की प्रक्रिया में ही चेंज करना हो, तो आर्टिकल 368 में ही यदि हमें चेंज करना है तो भी हमें इस विधि से करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने घटाने से संबंधित चीज़ें दोस्तों इसी तरीके से की जाएंगी। अभी हालिया एग्जांपल दोस्तों आपने देखा होगा जीएसटी, जो जीएसटी के लिए संशोधन किया गया था
उस संशोधन को दोस्तों इसी विधि से पारित किया गया था, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा, और यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो इस प्रकार का दोस्तों संशोधन माना जाता है। और बाकी एक संशोधन यह है जिसमें संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्लस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों 368 की इन दो विधियों के अलावा एक संशोधन का प्रकार और है जो कि 368 के अंदर शामिल नहीं होता। दोस्तों इस प्रकार के संशोधन में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत का मतलब दोस्तों हुआ 1/2। यहाँ पर हमने देखा इसमें 2/3 चाहिए यानी विशेष बहुमत चाहिए यानी 66% चाहिए। यहाँ भी दोस्तों हमें 2/3 चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। लेकिन इनके अलावा एक तरीका और है जो कि संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत यानी 1/2, और 1/2 का मतलब है दोस्तों 50% से ज़्यादा इस बहुमत से होता है। इसमें दोस्तों कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करना हो, भारतीय संघ के अंदर किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, उसका नाम परिवर्तित करना हो, क्षेत्रफल परिवर्तित करना हो, किसी विधान परिषद दोस्तों राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन है विधान परिषद, किसी विधान परिषद का गठन करना हो, या 5वीं अनुसूची में से संबंधित कोई चीज़ें परिवर्तित करनी हो, 6ठी अनुसूची से संबंधित कोई चीज़ परिवर्तित करनी हो, 2री अनुसूची से संबंधित कोई चीज़ चेंज करनी हो, राजभाषा के प्रयोग से संबंधित कोई चीज़ चेंज करनी हो, संसद में अंग्रेजी का प्रयोग, तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखी जाती हैं। तो इस प्रकार का संशोधन दोस्तों संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा होता है। तो टोटल मिलाकर दोस्तों 3 तरीके हैं संविधान में परिवर्तन करने के। एक तो तरीका आपने ये देख लिया है जो कि संसद के दोनों सदनों के 1/2 से होगा, और 2 तरीके दोस्तों हमारे आर्टिकल 368 में लिखे गए हैं, दोनों सदनों के 2/3 प्लस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, और दूसरा तरीका है दोस्तों संसद के 2/3 और आधे से अधिक राज्यों की सहमति द्वारा प्लस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा। और इस प्रकार के दोस्तों मामले संघीय जो राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मामले हैं उनके द्वारा इसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो ये दोस्तों बात हो गई संविधान संशोधन के तरीकों की। अब संविधान संशोधन दोस्तों होगा कैसे, सबसे पहले संविधान संशोधन यदि करना है तो सबसे पहले दोस्तों बिल आएगा, एक विधेयक आएगा, इस विधेयक को दोस्तों कहा जाएगा संवैधानिक संशोधन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक। ये विधेयक कहाँ जाएगा, अब संविधान संशोधन करने के लिए अधिकृत कौन है, भारत की संसद, अधिकृत कौन है, भारत की संसद पार्लियामेंट। और संसद के दो सदन हैं आप सभी को पता है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अधिकृत कौन है, संसद है। सबसे पहले क्या आएगा, संवैधानिक संशोधन बिल आएगा, कोई विधेयक आएगा, ये विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले जा सकता है। दो सदन हैं देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, या तो पहले लोकसभा में रखा जाए या पहले राज्यसभा में रखा जाए, तो इस प्रकार का बिल पहले किसी भी सदन में आ सकता है। जहां भी पहले जाएगा वो सदन दोस्तों इस बिल को 2/3 से क्या देगा, अपनी अनुमति देगा, यानी कुल सदस्यों के 2/3 से यानी 66% से। उसके बाद दोस्तों ये जाएगा दूसरे सदन में, और दूसरा सदन भी इसको 2/3 से अनुमति देगा यानी विशेष बहुमत से अनुमति देगा। दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद दोस्तों ये जाएगा बिल किसके पास, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और यदि संवैधानिक संशोधन विधेयक दोनों सदनों से विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाए, तो राष्ट्रपति दोस्तों इस प्रकार के बिल पर हस्ताक्षर करेगा और कुछ नहीं कर सकता। 24वें संविधान संशोधन दोस्तों एक संशोधन है, 24वां संविधान संशोधन 1971, इस संशोधन के द्वारा दोस्तों ये व्यवस्था की गई कि यदि कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक यानी संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होके राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाए, तो राष्ट्रपति दोस्तों इस प्रकार के बिल पर साइन करेगा और वो कुछ नहीं कर सकता, न वो उनको पुनर्विचार के लिए भेजेगा, न उसको पॉकेट वीडियो का प्रयोग कर सकता है, न निलंबनकारी वीडियो का यूज कर सकता है, कुछ नहीं करेगा। केवल एक ही उसके पास रास्ता है, वो इस प्रकार के बिल पर हस्ताक्षर करेगा। तो दोस्तों ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार का बिल जाएगा, बिल संसद के पहले किसी भी सदन में जा सकता है, जहाँ भी जाएगा विशेष बहुमत से पारित होगा, फिर दूसरे में जाएगा,
फिर दूसरा सदन दोस्तों उसको विशेष बहुमत से पारित करेगा, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस बिल पर दोस्तों हस्ताक्षर करेगा। तो ये बातें दोस्तों हमने देख ली हैं कुछ चीज़ें। अब हमने क्या क्या देख लिया, जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए संशोधन क्या है, यह आपको पता है किस देश से प्रभावित है, दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। कैसी संशोधन प्रक्रिया है, न लचीली न कठोर। संविधान में प्रावधान कहाँ पर है, तो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। कौन प्राधिकृत है संशोधन करने के लिए, तो संसद प्राधिकृत है। संविधान में संशोधन दोस्तों केवल संसद कर सकती है, राज्य विधान मंडल संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको दोस्तों विशेष तौर पर नोट करनी है। बहुमत कितना चाहिए, तो संशोधन के लिए दोस्तों बहुमत जो 368 में जो दो तरीके हैं उनमें विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया है। एक और तरीका भी है जो कि 1/2 वाला है, वो दोस्तों हालांकि संविधान संशोधन माना नहीं जाता है, 368 वाले ही दो तरीके दोस्तों माने जाते हैं। कैसे होगा, दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कैसे होगा। पहले बिल आएगा, फिर सदन में जाएगा, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस प्रकार के बिल पर हस्ताक्षर करेगा और कुछ नहीं कर सकता। कितने हो चुके हैं, तो दोस्तों वर्तमान समय तक 105 संशोधन हो चुके हैं और लास्ट दोस्तों हमारा हुआ है 2021 में। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ और संशोधन, उनको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ संशोधन लेके आए हैं जो कि 100 के बाद के संशोधन हैं, यानी 105 हो चुके हैं, तो दोस्तों हमें कुछ देखने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 100वां, 101वां, 2वां, 3वां, 4वां, 5वां और 5वां तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 100वें संशोधन की। तो 100वां संशोधन 2015 में हुआ था और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों भूमि समझौता, जो भूमि का आदान प्रदान हुआ था उससे संबंधित है। तो 100वां किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश। 101वें संशोधन की बात करें, ये दोस्तों 2016 में हुआ था और इसका संबंध था दोस्तों GST से, वस्तु और सेवा कर से, और ये संशोधन दोस्तों लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ये संशोधन दोस्तों लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से और 101वां संशोधन का संबंध है GST से या वस्तु और सेवा कर से। 102वें संशोधन की बात करें दोस्तों, ये संशोधन हुआ था 2018 में और इस संशोधन के माध्यम से दोस्तों एक संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था जो है 338 का बी, और 338 के बी में दोस्तों एक आयोग की स्थापना की गई है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों इसे शॉर्ट में कहा जाता है NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला देखिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है, यह आप सभी को पता होगा। इस संशोधन के द्वारा दोस्तों संविधान में एक आरक्षण के लिए एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है जिसे EWS कहा जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसको दोस्तों जोड़ा गया है 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से। और यहाँ पर दोस्तों इस संशोधन से दो नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं जिनका हम आगे उल्लेख करेंगे, 15 का 6 और 16 का 6। दोस्तों आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। अगला देखें 104वां संविधान संशोधन 2019, इसमें दोस्तों प्रावधान किया गया है जो SC ST के लिए दोस्तों आरक्षण है चुनाव में, इसको दोस्तों 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 2020 तक पहले ये मान्य था, अब इसको 10 वर्ष बढ़ाकर दोस्तों 2030 तक कर दिया गया है। और ये दोस्तों संशोधन जो ये वाला है 104वां संशोधन है, ये लागू हुआ है 25 जनवरी 2020 से, और इसमें SC ST के आरक्षण को दोस्तों जो चुनाव में आरक्षण मिलता है विधानसभाओं में और लोकसभा में, इस आरक्षण को दोस्तों 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। हालांकि एक चीज़ और भी है दोस्तों, यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन को आरक्षण है उसको देने की जो प्रावधान थे वो दोस्तों इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। 105वें संशोधन की बात करें 2021 में दोस्तों ये हुआ है, ये राज्य सरकारों को पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए शक्ति देता है। दोस्तों 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से राज्य सरकारों को पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जो शक्ति दी गई थी उनको दोस्तों वापस ले लिया गया था, और बाद में 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सरकारों को दोस्तों जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी पहचान के लिए दोस्तों शक्तियां दोबारा दे दी गई हैं। तो ये मुख्य संविधान संशोधन है 100 के बाद के। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो हमारा मेन टॉपिक है जो MCQ है। देखिए सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, आप लोग कमेंट भी करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपको आ रहे हैं, आपको जो जो आंसर आ रहे हैं इन क्वेश्चन के, उसका दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए। कमेंट से ये होगा आपका आंसर आपको पता चलेगा, गलत होगा तो फिर भी दोस्तों आपको याद रहेगा कि यार उस दिन मेरा क्वेश्चन आंसर गलत हुआ था, तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है, तो आप लोगों को कमेंट करना है। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष में किया गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन D, 1951। जो पहला संविधान संशोधन था दोस्तों वो हुआ था 1951 में, और इस संशोधन के बारे में दोस्तों दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इस संशोधन के माध्यम से दोस्तों आर्टिकल 15 का 4 जुड़ा था,
जो कि राज्य सरकारों को, जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग है या अनुसूचित जनजाति वर्ग है और पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। तो एक तो हमारा 15 का 4 जुड़ा था और दूसरा दोस्तों इस संशोधन के माध्यम से संविधान में नवी अनुसूची या 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये नवी अनुसूची दोस्तों आप सभी को पता होगा ये संबंधित है भूमि सुधार से, किससे? भूमि सुधार से या जमींदारी उन्मूलन से। तो दो चीज़ें हुई हैं, एक तो 15 का 4 अनुच्छेद जोड़ा गया है और दूसरा दोस्तों संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। तो पहला संशोधन 1951 में। अब अगला देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राज्यों के 4 वर्गों क ख ग घ को समाप्त कर इनके स्थान पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा जब भारत आज़ाद हुआ था तो दोस्तों भारत में लगभग 565 के आसपास रियासतें थी जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों अपनी सूझबूझ से इनको इनका एकीकरण किया और एक बृहद भारत का निर्माण किया। उसके बाद दोस्तों संविधान लागू होने के यानी 1950 के बाद से 1956 तक भारत में दोस्तों इस प्रकार से जो आज आपको राज्य दिखाई देते हैं, यूटी दिखाई देते हैं दोस्तों, ये नहीं थे बल्कि इनके स्थान पर राज्यों की 4 कैटेगरी थी, क श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य, ग श्रेणी के राज्य और घ श्रेणी के राज्य। दोस्तों इन्हीं राज्यों को दोस्तों इनका रिव्यू करने के लिए और जो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम था दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग। आप सभी लोगों ने सुना होगा राज्य पुनर्गठन आयोग, ये दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में और इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों फजल अली को, और इसी आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 और फजल अली आयोग 1953 दोस्तों एक ही हैं। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर दोस्तों संविधान में संशोधन किया गया, वो संशोधन था 7वां संविधान संशोधन 1956। और इसी पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दोस्तों एक और अधिनियम बनाया गया, उसका नाम है दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम या एक्ट, और ये भी दोस्तों 1956 में पारित किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो 1953 में बनाया गया और इसके हेड थे दोस्तों फजल अली, और इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसी की सिफारिशों पर दोस्तों एक संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956, और इसी आयोग की सिफारिशों पर एक अधिनियम भी पारित किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इन्हीं दो चीज़ों के माध्यम से दोस्तों जो हमारे क ख ग घ श्रेणी के राज्य थे इस कैटेगरी को समाप्त करके देश के अंदर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। तो पहली बार दोस्तों यहाँ पर हमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश दिखाई देंगे 1956 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 14 राज्य और 6 यूटी के तौर पर दोस्तों भारत सामने आया था, उस कैटेगरी को क ख ग घ श्रेणी को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक या साझा उच्च न्यायालय, यहाँ पर दोस्तों उच्च न्यायालय है ये, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक या साझा उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान संविधान में कब जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1956। दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से ही यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा जो हमारा पंजाब हरियाणा का जो हाईकोर्ट है वो दोनों राज्यों के लिए एक ही है, साझा उच्च न्यायालय है, और कई सारे ऐसे दोस्तों हमारे देश के अंदर ऐसे हाईकोर्ट हैं जो साझा तौर पर काम कर रहे हैं, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हैं। तो इस प्रकार का प्रावधान दोस्तों हमें दिखाई देता है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और वर्तमान में दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखना है, वर्तमान में जो हाईकोर्ट हैं या हाईकोर्ट की संख्या वर्तमान में दोस्तों 25 है, और जो लेटेस्ट हमारा हाईकोर्ट है वो है दोस्तों अमरावती हाईकोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। अगला देखिए, भारत पाकिस्तान समझौते के अनुसार बेरुबाड़ी संघ या बेरुबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था भूमि हस्तांतरण का 1958 में, इसी संशोधन के आधार पर दोस्तों जो बेरुबाड़ी क्षेत्र है ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में,
इसको पाकिस्तान को सौंपने संबंधित प्रावधान किस संशोधन में किए गए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा नवा संविधान संशोधन 1960, ये हमारा दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो बेरुबाड़ी को पाकिस्तान को सौंपने संबंधित प्रावधान दोस्तों नवे संविधान संशोधन 1960 में दिखाई दिए थे, और दोस्तों इसी के आधार पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक बेरुबाड़ी वाद भी आया था। अगला देखिए, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इसके संबंध में प्रावधान कहां पर दिखाई देते हैं? एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, इससे संबंधित प्रावधान किस संशोधन में दिखाई दिया? आपके सामने विकल्प हैं दोस्तों नवा 1960, आठवां 1960, सातवां संशोधन 1956 और ग्यारहवां संशोधन 1961। तो इससे संबंधित दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों दादरा और नागर हवेली वर्तमान में दोस्तों आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 2020 को जो दमन और दीव है दोस्तों, हमारा दमन और दीव जो यूटी था इसको, और दादरा और नागर हवेली दोस्तों दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है, यानी इन दोनों का विलय कर दिया गया है, अब ये दोनों एक ही यूटी हो गए हैं। तो पहले आपको दोस्तों ये बताना है कि दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, ये दादर और नागर हवेली दोस्तों पहले किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। यहाँ पर दोस्तों पुर्तगालियों का राज था और भारत को दोस्तों भारत ने इनको पुर्तगालियों से छीना था। तो आपको ये बताना है कि दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा दसवां संविधान संशोधन 1961। तो दसवें संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया है, और वर्तमान में दोस्तों 26 जनवरी 1920 से इस दादर और नागर हवेली और दमन दीव को दोस्तों आपस में विलय कर दिया गया है, और ये पुर्तगालियों के दोस्तों पहले अधीन हुआ करता था। गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली दोस्तों ये तीनों ही क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन हुआ करते थे। अगला देखें, निर्वाचक मंडल की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जाएगी, संबंधित प्रावधान संविधान में कब जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है आप लोग कमेंट करें। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दोस्तों आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख आर्टिकल 54 में है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल होते हैं दोस्तों संसद के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं होंगे आपको ध्यान रखना है, दिल्ली पांडिचेरी दोस्तों आप इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हो जाएगा, दिल्ली पांडिचेरी जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य विधानसभाएं हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर, ये दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन कौन? संसद के निर्वाचित, दिल्ली पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो कौन नहीं होता है? संसद के मनोनीत, दिल्ली पांडिचेरी जम्मू कश्मीर के मनोनीत, और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार का प्रावधान क्या है। अब मान लो किसी राज्य की विधानसभा विघटित है और राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला हो, तो उस राज्य की विधानसभा के लोग तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डाल नहीं पाएंगे। और मान लो दोस्तों फिर इस आधार पर चैलेंज कर दिया जाए राष्ट्रपति के चुनाव को कि उस टाइम में विधानसभा तो विघटित थी, विधानसभा भंग थी, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया गया? तो इसी आधार पर दोस्तों फिर ये प्रावधान किया गया कि यदि निर्वाचक मंडल अपूर्ण भी है तो राष्ट्रपति के चुनाव को दोस्तों चुनाव चैलेंज नहीं करा जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान दोस्तों 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, गोवा, दमन, दीव पहले पुर्तगालियों के अधीन था और गोवा को ऑपरेशन विजय के द्वारा सैन्य कार्यवाही के माध्यम से दोस्तों भारतीय संघ में शामिल किया गया था, और वो डेट दोस्तों हाल ही में एक दो दिन पहले ही गई है, गोवा को विजय किया गया था दोस्तों 19 दिसंबर 1961 को। इस दिन दोस्तों विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और ये डेट दोस्तों हाल ही में गई है, और 50 साल भी दोस्तों इस चीज़ को पूरे हुए हैं। 50 साल तो नहीं हुए, 50 साल से ज़्यादा हो गए होंगे दोस्तों आप, हाँ दोस्तों ज़्यादा हो गए, लेकिन दोस्तों ये डेट अभी हाल ही में गई है। तो आपको ये बताना है कि गोवा, दमन, दीव को भारतीय संघ में किस संशोधन के माध्यम से शामिल
किया गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वां संविधान संशोधन 1962। और गोवा को दोस्तों 12वें संविधान संशोधन 62 के माध्यम से यूटी का दर्जा दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया था। और बाद में दोस्तों 1987 में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया था। तो दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। अगला देखिए, नागालैंड को राज्य का दर्जा और विशेष उपबंध संबंधी प्रावधान किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो नागालैंड को दोस्तों एक तो राज्य का दर्जा और उसे विशेष उपबंध देने संबंधी जो प्रावधान है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, आप सभी को बताने हैं। यहाँ पर आपको विकल्प दिख रहे हैं 12वां, 13वां, 14वां और 10वां। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी को बताना है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों 13वां संविधान संशोधन 1962, उनका बिल्कुल सही उत्तर है 13वें संशोधन 1962 के माध्यम से नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, संविधान में अनुच्छेद 371 का ए या 371 का क किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि संविधान में 371 का ए किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, 371 का ए या 371 का क का जो दोस्तों जो संबंध है वो किस राज्य से है, वो संबंध है दोस्तों नागालैंड से। इसका संबंध है नागालैंड से। अब आपको बताना है कि इसको किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा आसान है 13वां संविधान संशोधन 1962। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा और 371 ए के माध्यम से विशेष प्रावधान, ये दोस्तों जोड़े गए हैं 13वें संविधान संशोधन 1962 में। अगला देखिए पुदुचेरी, इसका दोस्तों जो पूर्व नाम है वो है पांडिचेरी, आप सभी को पता होगा 2006 में दोस्तों इसका नाम पुदुचेरी कर दिया गया है, मूल नाम इसका पांडिचेरी था। इस पुदुचेरी को भारतीय संघ में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। विकल्प आप सभी के सामने हैं 12वां, 13वां, 14वां या 10वां। तो आपको ये बताना है कि पुदुचेरी को दोस्तों भारतीय संघ में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और एक चीज़ और भी है दोस्तों, इसका मूल नाम पांडिचेरी है और ये चार भागों में विभक्त है। आप लोगों ने देखा होगा ये चार भागों में है, एक तो इसका भाग है पांडिचेरी, दूसरा है माहे, तीसरा है दोस्तों यनम और चौथा है करिकाल। दोस्तों ये चार भागों में विभाजित है। तो आपको ये बताना है कि ये किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और एक चीज़ और फैक्ट है, ये पांडिचेरी दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसियों के अधीन था, यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन था। और दोस्तों इस क्षेत्र को इन्होंने 1954 में छोड़ा था, 1954 से दोस्तों ये भारतीय संघ का हिस्सा है। तो आपको ये बताना है भारतीय संघ के साथ में जुड़ गए थे, लेकिन इसको 14वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से दोस्तों संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा आ जाएगा 14वां संविधान संशोधन 1962। अगला देखिए, संविधान में अनुच्छेद 239 का ए किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। संविधान में जो अनुच्छेद जोड़ा गया है 239 का ए या 239 का क, वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वही है 14वां संविधान संशोधन 1962। इस संशोधन के माध्यम से दोस्तों एक नया आर्टिकल जुड़ा था 239 का ए या 239 का क, इसमें ये प्रावधान किया गया कि कुछ यूटी के लिए, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्थापना की जा सकती है। और इस आर्टिकल का यूज करते हुए दोस्तों जो पांडिचेरी है, जो कि वर्तमान में इसको पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, इस पुदुचेरी में दोस्तों 30 सदस्यीय एक विधानसभा का भी गठन किया गया इसी आर्टिकल का यूज करते हुए। 239 के क का यूज करते हुए दोस्तों इस पुदुचेरी में 30 सदस्यीय विधानसभा का भी क्या किया गया है, स्थापना की गई है। और अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 किस संशोधन के माध्यम से की गई है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के दोस्तों जो जज हैं, उनकी जो सेवानिवृत्ति की वर्तमान में आयु है वो क्या है, वो 62 वर्ष है। पहले दोस्तों ये 60 वर्ष हुआ करती थी। तो आपको ये बताना है कि 60 से 62 किस संशोधन के माध्यम से किया गया। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हमारा है 15वां संशोधन 1963। इस संशोधन के माध्यम से दोस्तों हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 किया गया है। और आपको सुप्रीम कोर्ट की भी पता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों जो जज हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु दोस्तों कितनी तय है, 65 वर्ष तय की गई है। और आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं,
उनकी नियुक्ति के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए, लोकसभा के सांसद बनने के लिए 25 साल चाहिए, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 30 साल चाहिए, पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए 21 साल चाहिए, तो इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपको आ जाए कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो न्यूनतम आयु का प्रावधान दोस्तों संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु दोस्तों परिभाषित की गई है। हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के जजों के लिए 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए दोस्तों 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला देखते हैं, 14वां क्वेश्चन, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में कब जोड़ा गया। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंदर मिलता है। मूल संविधान में, यानी जो संविधान 26 जनवरी 1950 को बना था, इस संविधान में दोस्तों हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं, मूल में 14 थी, और बाकी दोस्तों आप देखिए कितनी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, 6 यहां से बच रही हैं, 2 यहां हो गई, 8, यानी 8 भाषाएं दोस्तों 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन के माध्यम से। अब दोस्तों इनका जो संविधान संशोधन है वो हमको बाद में देखने को मिलेंगे, अभी हम सिंधी की बात कर रहे हैं। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को दोस्तों 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और 14 भाषाएं तो पहले ही थी, 15वीं भाषा के रूप में दोस्तों सिंधी जुड़ी थी। सिंधी 15वीं भाषा थी जो 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ी गई थी, और संविधान संशोधन कौन सा था, 21वां संविधान संशोधन 1967। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 1967। और वर्तमान में कितनी भाषाएं इस अनुसूची में, 22 भाषाएं हैं, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगला देखिए, असम को अलग करके स्वायत्त मेघालय राज्य की स्थापना किस संशोधन के माध्यम से की गई। दोस्तों असम से अलग करके स्वायत्त यानी एक स्वतंत्र मेघालय राज्य की स्थापना किस संशोधन के माध्यम से की गई है। विकल्प आप सभी के सामने हैं, 24वां, 22वां, 26वां और 27वां। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22वां संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से दोस्तों असम से अलग करके मेघालय को स्वायत्त राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। अगला देखिए दोस्तों, 16वां क्वेश्चन, संसद को यह अधिकार होगा कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों न हो, मैं संशोधन कर सकती है, संबंधित प्रावधान किस संशोधन के माध्यम से किए गए। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट है ये दौर है, दोस्तों ये संशोधन उस दौर में हुआ था जब देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और दोस्तों हमारी जो सरकार है, सरकार और न्यायपालिका के बीच में काफ़ी टकराव भी देखने को मिल रहा था। तो उसी बीच में दोस्तों इंदिरा गांधी ने एक संशोधन किया संविधान में, और वहाँ पर दोस्तों ये लिखा गया संविधान संशोधन करके कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, वो चाहे मौलिक अधिकार ही क्यों न हो, मौलिक अधिकारों को चेंज कर सकती है, उसमें कुछ जोड़ सकती है, उसमें कुछ चीज़ें घटा सकती है। तो इस प्रकार का दोस्तों प्रावधान